राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है कुलधरा गांव। ये गांव सालों से वीरान है। यहां दूर दूर तक सिर्फ खंडहर नजर आते हैं। कुलधरा बहुत ही बड़ी संस्कृति का केंद्र था और जो हमारी जो संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका एक बहुत जीवंत उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो गलियां हैं, इनका जो स्थापत्य है वो बहुत ही अनुपम है। इसकी गलियां उत्तर से दक्षिण है, क्योंकि भारत में हमारे यहाँ इलाके में जैसलमेर के इलाके में उत्तर से दक्षिण हवाएं चलती है सर्दियों में, और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है गर्मियों में। तो ये जो गलियां हैं वो उत्तर दक्षिण में गलियां बनाई हुई है, जिससे यहाँ रेत ठहरती नहीं थी। और इनके मकाना जो है, मकान जितने भी थे, अमीर हो गरीब हो, सबका एक नक्शा और एक लाइन में थी सारी। पालीवाल ब्राह्मणों ने ये गांव बसाए थे। जिस जिस व्यक्ति ने जो गांव बसाया वो गांव उसके नाम से बस गया। जैसे कुलधर है, तो कुलधर मईधर शशिधर तीन भाई थे, उसमें से कुलधर ने ये कुलधरा गांव बसाया। उसमें दूसरी जाति के लोग रह गए हमारे भाई बंधु, लेकिन जिसने जो बसाया उसके नाम से गांव बस गए। और 84 गांव पाली वालों के उन्होंने अपने अपने नाम से बसाए, और सुविधा के हिसाब से जहाँ जहाँ उनको उपजाऊ जमीन मिली, सुरक्षित जगह मिली, अच्छी जगह मिली, वो 84 गांव उन्होंने बसाए। आपको जानकर हैरत होगी कि एक ही रात में कुलधरा सहित 84 गांव खाली हो गए थे। कोई भी जाति अगर एक साथ पलायन करती है तो उसकी अस्मिता पर आता है, इज्जत पर आती है, तब जाकर वो एकदम पलायन का निर्णय लेती है। और यहाँ उनका रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सालम सिंह जो दीवान था वो बहुत ही क्रूर और एरोगेंट था और निरंकुश था। उसके ऊपर राजा का कोई अधिकार नहीं था, किस तरह का कोई उसके ऊपर अंकुश नहीं था। इतिहासकार बताते हैं कि जैसलमेर और बीकानेर के बीच युद्ध हुआ था, इसके बाद आर्थिक तंगी आई, तो इसके नाम से इन्होंने पाली वालों को तंग करना भी शुरू कर दिया था कि अभी राज को घाटा हो गया, लड़ाई वगैरह में पैसे वगैरह जान माल के नुकसान हुआ था, पूर्ति करो। तो पाली वालों ने कहा हमारे फसलें लेने दो, जैसा भी होगा राजा को पहले भी सेवा के आगे भी करेंगे, लेकिन उसने थोड़ा दबाव डाला कि आप जो हम कह रहे हैं वो अभी का अभी होना चाहिए। सालम सिंह की जातियों से परेशान होकर पालीवाल समाज के लोग काठोड़ी गांव के एक मंदिर में जुटे और इस गंभीर समस्या पर मंथन किया। कुल मिलाकर उनको लगा छोड़ना ठीक है। उन्होंने एक निर्णय लिया समाज का कि आज शाम तक सभी 84 गांव में मैसेज भिजवा दो कि हमें जैसलमेर रियासत में नहीं रहना है। विरोध के सुर उठने पर यज्ञ कर लोगों को शपथ भी दिलाई गई। पाली वालों के साथ ही सुथार, कुम्हार, नाई और दूसरी जाति भी पलायन कर गए। इसी वजह से जो है उन्होंने जाते वक्त जो है एक श्राप देके गए कि इस गांव में कोई नहीं रुक पाएगा, कोई नहीं बस पाएगा। और आज भी वो गांव खाली पड़ा है और धीरे 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 तक वो खंडहर होता गया और अभी भी ये खंडहरों का एक समूह है। यही वजह है कि इन्हें शापित गांव भी कहा जाता है। पाली से निर्वासन के बाद एक समूह जैसलमेर सिल्क रूट के जरिए व्यापार करने लगा और जैसलमेर में बसने का निर्णय कर लिया। छोड़ कर गए, उसका कोई लिखित इतिहास नहीं है, जैसा लोग सुनते हैं वैसा बताते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वजों बताया, हमारे पंडित शिवनाथ जी पालीवाल आज से 92 ईयर्स पहले जैसलमेर, आज़ादी से पहले भी जैसलमेर आकर गए थे और पूरे 84 गांव घूमे हैं, शिलालेखों का संग्रहण किया उन्होंने। कुलधरा खाबा से 84 गांव नहीं, राजस्थान के 200 पालीवालों को 240 गांव का उन्होंने भ्रमण किया और पुस्तकें लिखी। तो उनको मैंने पढ़ा है, मैंने यहाँ की तवारीखों को पढ़ा है, तो मैंने ये महसूस किया है कि जो पालीवाल एक्चुअल में यहाँ आकर भी संपन्न हो गए थे और राजा को नजराने के रूप में रियासत को हेल्प करते थे, लेकिन बताया जाता है कि उस समय सालम सिंह यहाँ का दीवान था, मंत्री था और वो यहाँ के रियासत पर हावी था। उन्होंने कुलधरा, खाबा, जाजिया और काठौड़ी सहित 84 गांव बसाए। कुलधरा अब जैसलमेर का प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ साल भर देसी विदेशी सैलानी आते हैं। 3-4 साल पहले सरकार ने कुछ प्राइवेट कंपनीज को ये काम दिया कुलधरा के संरक्षण का, तो उन प्राइवेट कंपनीज ने कुलधरा के संरक्षण के नाम पे, इनको वास्तव में तो संरक्षण करना था लेकिन इन्होंने कुछ जो मूल स्ट्रक्चर था पुराने गांवों का, जो मकानों के ढांचे थे वो मॉन्यूमेंट का पार्ट थे, तो उनको इन्होंने गिरा दिया और उसकी जगह पे कुछ नई दुकानें और ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने की इन्होंने कोशिश की। तो ये चीज़ सही नहीं थी कानून के हिसाब से भी और हमारी जो पारंपरिक मान्यता है उसके हिसाब से भी। तो इसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट में गया, मैंने एक सिविल रिट जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई
तो बहुत ही बढ़िया आदेश उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी संरक्षित स्मारक के अंदर व्यावसायिक गतिविधियां अनुमत नहीं हैं, और न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट आदेश दिया कि एक्चुअल मॉन्यूमेंट की जो जगह है उसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जाए। कुलधरा को हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है और पाली वालों के श्राप की वजह से शापित गांव भी। स्वाभिमान की रक्षा की ये कहानी आज भी जैसलमेर की वादियों में गूंजती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।